गणपति बाप्पा मौर्या। आज हम सिद्धि विनायक आए हैं अपने बड़े भाई के साथ, सारे बड़े भाइयों के साथ। यहाँ मैं सबसे छोटा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर इतनी लंबी लाइन लगी हुई है और हमने कुछ जुगाड़ करके सीधा प्राइवेट एंट्री करवाई है अपनी दर्शन के लिए। उसी की वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आप देखो कितनी देर में बंदा आता है। ऐसे तो हमसे ले गया, पता नहीं आएगा नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। ऐसे तो हमने दे दिए, ऐसे तो देने की बड़ी आग लगी देते हैं हमको, तो वो तो हम दे चुके हैं। और सीधा हमने शगन का लगाया था, देवा के दर्शन के लिए आए हैं। सीधा जब पीछे बढ़ा, यही है वो शख्स, यही है वो शख्स। नगद कैश पैसे दे दिया। अब ये देखो आता है, अब ज़्यादा शोर हल्ला नहीं करते तो पता नहीं क्या बात होती है। सारे देखो हमने प्रसाद भी लिया है यहाँ पर। तो ये पीछे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। जैसे अंदर से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा तो हम अंदर एंट्री करेंगे। ये बिल्कुल हमारे पीछे ले रहे हैं, ये यहाँ से एंट्री करनी है हमने। दैन फिर अंदर दर्शन करके चलो जी, गणपति बाप्पा मौर्या। फाइनली हमने दर्शन कर लिए हैं, हमने प्रसाद के अंदर से ले लिया है। अब बड़े अच्छे दर्शन हो गए, पैसे जरूर लगे हमारे बट दर्शन बड़े अच्छे हो गए हैं। अब आगे की तरफ निकलेंगे। वो बंदा सही निकला, हाँ सही निकला। एक बार बीच में चला भी गया था वो, हमें लगा पता नहीं आएगा नहीं आएगा, पैसे लेके कहीं चढ़ावा चढ़ चुका है, चढ़ा चढ़ चुका। अब बस आगे चलते हैं जी, हम आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या हम आपको दिखाएंगे, क्या क्या हम आपको यहाँ का मुंबई का एक्सप्लोर करते हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, वसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खानाबदोश में। ये है दीपक, मैं हूँ यतिन। हम पहुँच चुके हैं मुंबई। भाई मुंबई में वी आर एट दादर बीच, और दादर बीच के पास ही ना एक बड़ी शानदार वड़ा पाव की दुकान है। दुकान की जो शुरुआत हुई थी, कैसे हुई थी और वहाँ पे वड़ा पाव कैसा मिलता है, ये उनके पास चलते हैं और आप लोगों को तब बताएंगे। तो ये लाइन देख रहे होगे आप, ये लाइन लगी पड़ी है यहाँ के मुंबई के फेमस स्ट्रीट फूड वड़ा पाव के लिए। भाई मुंबई आए और वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। भाई हम आ गए हैं अशोक वड़ा पाव पे, जो कि पड़ता है दादर में। और ये जो दादर में वड़ा पाव मिलता है ना, ये यहाँ पे 1966 में इन्होंने यहाँ पे शुरुआत करी थी वड़ा पाव की। आज स्टॉल पे लाइन देखो भाई कितनी लंबी लगी पड़ी है। तो भाई चलते हैं, इनका वड़ा पाव लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तकरीबन 10 मिनट लग गए हमें ये वड़ा पाव लेने में। अब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। खोलते हैं पहले इस पैकेट को। और दीपक जी ये देखो जी, 3 वड़ा पाव लिए, 25 रुपये का एक वड़ा पाव है। इसको खोल के दिखाया इसमें क्या है। चटनी है एक, ये बिंका वड़ा है, ऊपर से इसमें कुछ भजिया वगैरह डाली हुई है, चटनियाँ लगी हुई हैं इसमें, हरी भी है और लाल चटनी भी है इसमें शायद। भाई ट्राई करते हैं इसको, काफ़ी फेमस है यहाँ पर ये। मुंबई स्ट्रीट फूड की बात करी जाए ना तो वड़ा पाव ना यहाँ का नंबर 1 स्ट्रीट फूड है। बहुत बढ़िया भाई। एक बार आप लोगों को बताया तो होता क्या है कि ये जो पोटैटो होता है ना, उसको स्क्वैश करके उसमें स्पाइसेस मिला के ना डीप फ्राई किया जाता है। वो बेसिकली होता है बटाटा वड़ा, और ये ऊपर होता है पाव। तो भाई पाव के अंदर जो है ना वड़ा चला जाता है, बटाटा वड़ा, तो इसका कॉम्बिनेशन बना के इन्होंने रख दिया वड़ा पाव। और ये जो खाने में है ना ये काफ़ी बढ़िया है। भाई ये पाव के अंदर जो है ना ये अपना बटाटा वड़ा डाल रखा है और ऊपर से थोड़ी सी भजिया डाल रखी है, थोड़ी सी सॉसेज इसमें लगा रखी है। तो ये काफ़ी अच्छा ना यहाँ का स्ट्रीट फूड है, और बहुत अच्छा और बहुत सस्ता टिकाऊ एक स्ट्रीट फूड है जो कि हर बंदा आसानी से अफोर्ड कर सकता है। तो ये फटाफट खाने वाली चीज़ है, अपना आओ लो और खाते खाते चलो। Easy to carry, easy to eat। तो भाई ये रोड जो है ना दादर बीच पे जाती है, और सामने ही ना हमें एक चाय वाला दिख रहा है। ये इसके साथ अगर एक चाय हो जाए ना, चाय की रोशनी हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। और इसके पीछे ना एक स्टोरी है वड़ा पाव के पीछे, तो वो स्टोरी ना चाय पीते भी थे आपको बताते हैं। ये देखो जी, ये मुंबई की कटिंग चाय भाई कितने की है ये? 10 रुपए में कटिंग चाय। भाई चाय हमारे हाथ में आ गई है, एक चुस्की ले लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे की स्टोरी चालू करते हैं। उसके बाद दीपक आपको जो स्टोरी सुनाएगा। भाई वड़ा पाव के पीछे ना एक बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे चलती थी बटाटा भजिया, जो कि यहाँ पे लोकल आइट्स जो थे ना वो ज़्यादा यहाँ पे पसंद करते थे। तो बटाटा भजिया जो थी ना, जब लोग यहाँ पे कैरी करते थे ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड में चलता था वो। जब लोग उसे पकड़ते थे अपना लोकल ट्रेन में जाते थे तो वो कैरी करनी ना बड़ी मुश्किल हो जाती थी, वहाँ पर लोग खा नहीं पाते थे। तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत करी ये बटाटा वड़ा पाव की। एक तो क्या था कि भाई ये कैरी करने में आसान था, दूसरा खाने में आसान था। 10-15 पैसे का मेरे ख्याल से उस समय मिलता था, जो कि हमें यहाँ पे पता चला है, जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 10-15 पैसे का यहाँ पे मिलता था और लोग काफ़ी आसानी से ना इसको अफोर्ड कर सकते थे। तो ये मुंबई का जो लोकल स्ट्रीट फूड है ना, लोकल स्ट्रीट फूड में ये शामिल हो गया और आज के डेट में ना एक तरह से कहा जाए सबसे ज़्यादा स्ट्रीट फूड में चलने वाला है यहाँ का ये बटाटा वड़ा पाव। एक तरह से यार लोकल स्ट्रीट फूड का ये मुंबई का लोकल बर्गर हो गया, नहीं? हाँ, इसको बॉम्बे बर्गर के नाम से भी कहा जाता है। तो काफ़ी बढ़िया है, चाय के साथ काफ़ी इसका आनंद आ रहा है और चाय काफ़ी ज़बरदस्त बना रखी है इस भाई ने, अदरक वाली चाय है। कभी इस तरह खाओ तो इस भाई की चाय जरूर ट्राई करना। भाई ये पड़ता है अपना, दोबारा बताते हैं आपको, दादर में हम आए थे अशोक वड़ा पाव पे, साथ में एक टी स्टॉल लगती है, यहाँ पे लोग वड़ा पाव खा रहे हैं और अपनी चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। तो भाई वड़ा पाव के बारे में हमने आपको बता दिया, यहाँ पे खा भी लिया, चाय की चुस्की भी ले ली। आगे जहाँ जहाँ मुंबई में जाएंगे ना तो आप लोगों को बताते रहेंगे। ये अब बने रहना, इस मुंबई की सीरीज में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई वड़ा पाव खाने के बाद ना हम पहुँच गए सियोन वेस्ट में, मंगलदास मार्केट है उस बिल्डिंग के पास। यहाँ पर बहुत से स्टॉल लगे पड़े हैं। दीपक बताए उसके बारे में जरा। भाई हम जहाँ पहुँचे ना इस समय, ये आपको यतिन ने बता दिया, भाई मंगलदास मार्केट। यहाँ पे ना हम देख रहे थे कि एक भैया है और डोसे काउंटर पे ना इनके इतनी भीड़ लगी पड़ी है भाई कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपना डोसा लगवाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम देख रहे थे कि इनका फ्लाइंग डोसा भी है, यहाँ पे फ्लाइंग डोसा लगा रहे हैं लोग, यहाँ पे डोसा अपना इन्जॉय कर रहे हैं। तो भाई हम भी इनसे अपना डोसा लगवाते हैं, इन्जॉय करते हैं और आप लोगों को बताते हैं। तो भाई जीनी डोसा लगने जा रहा है हमारा, वो देखते हैं कि कैसे बनता है। भाई ये जीनी डोसे के अंदर जो इन्होंने सॉसेज डाले थे, अनियन डाले थे और जो क्रीम सिगारा डाली है, उन सबको मैश कर दिया अच्छे से। ये आ गया जी ऊपर, देखो आप, ये चीज़ है, अमूल का चीज़ है, जो एक कद्दूकस करके इसमें डाल रहे हैं। तो भाई ये हो गई जी ऊपर से पनीर की बारिश। एक डोसा उसमें इतनी सारी आइटम्स गल चुकी हैं अभी तक। ये देखो भाई, इसके ऊपर ना दोबारा से इन्होंने ना जो ये पनीर है ना, इसको कद्दूकस करके डाल रहे हैं और क्वांटिटी देखो कि इतनी बढ़िया क्वांटिटी में इसकी पनीर की बारिश की जा रही है। ये हमारा ग्रीन डोसा है। अब इसके ऊपर वो भी कुछ आएगा भैया। ये आ गया जी थोड़ी सी प्याज, ये आ गया जी धनिया। ये हमारा जीनी डोसा भाई बन के तैयार हो गया। कितने का है ये? 160 रुपए का ये जीनी डोसा। अब इसको ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं। भैया भीड़ देख रहे हो यहाँ पर, आसपास का माहौल देखो सबसे पहले तो दनादन भीड़ लगी हुई है, दनादन। तो ये जी हमारा जीनी डोसा, ये देख रहे हो आप। बिल्डिंगें देखो, बिल्डिंगें खड़ी है मुंबई की। पहले एक बड़ी बिल्डिंग खड़ी है, साथ में दो छोटी और साइड में दो छोटी, सपोर्ट के लिए। ये 160 रुपए का है भाई। इसके साथ मिलती है 2 चटनियाँ, एक है नारियल की चटनी है, एक हम ट्राई करेंगे तो आपको बता देंगे भाई किस चीज़ की चटनी है। पहली बार खा रहा हूँ ऐसा डोसा। इसके अंदर जो फिलिंग कर रखी है ना, काफ़ी बढ़िया कर रखी है। बहुत ज़्यादा सॉसेज की इसमें फिलिंग कर रखी है, उनका एक अच्छा फ्लेवर आ रहा है। साथ में ना इसके अंदर ना जो इन्होंने पनीर डाल रखा है ना, वो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में डाल रखा है, चीज़ भी डाला हुआ है, ऊपर से भी इन्होंने पनीर क्रश करके इसमें डाला हुआ है, तो एक अच्छा फ्लेवर है प्रोवाइड कर रहा है। बड़ा ही अलग सा फ्लेवर है यार, है एक यूनिक फ्लेवर है, खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। अगर इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में अगर आप आते हो और आपको ऐसी चीज़ मिल जाए खाने को, तो यार ये थकावट दूर और टेंशन दूर कर देता है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आप आओ तो आपको यहाँ पर फ्लाइंग डोसा मिल जाएगा। हमें फ्लाइंग डोसा मिला नहीं, यहाँ पर जो भाई साहब बनाते हैं वो थोड़े मतलब जा चुके हैं छुट्टी करके अपनी, तो भाई उस कारण से ना हम उनके शॉर्ट्स नहीं डाल पाए जो फ्लाइंग डोसा किया। कोशिश करेंगे अगर वो थोड़ी देर में आ जाएंगे और हम यहाँ पे शॉर्ट अगर बना पाएंगे तो जरूर डालेंगे। ये तो अभी तक इससे ही काम चलाइए, आगे तक हमारे सफ़र में, मुंबई के सफ़र में हमारे साथ रहना। मुंबई में सबसे ज़्यादा चलने वाले जो स्ट्रीट फूड है ना, वो है भाई वड़ा पाव, और उसके साथ ये जो छोटे छोटे काउंटर्स हैं ना, चाय की टपरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे मिलती है भाई कटिंग चाय। दोनों ही हमने आपको दिखाए, हमने कटिंग चाय भी यहाँ पे ट्राई करी, वड़ा पाव भी ट्राई किया। उसके बाद हमने आपको दिखाया जी यहाँ पे डोसा। मंगलदास मार्केट के अंदर है वो डोसे वाला, श्री बालाजी डोसा फैक्ट्री के नाम से चलाते हैं। काफ़ी वेराइटी ऑफ डोसा है, जिसमें से हमने आपको डोसा दिखाया, जैनी डोसा उनका। और भाई उसके बाद हम आ गए कोलाबो में। आप देख रहे होगे मेरे पीछे गेट वे ऑफ इंडिया, बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट है ताज होटल। यहाँ पे लगी हुई है भीड़ कच्चा-कच। तो भाई इस व्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं। मुंबई के आगे सफर में हमारे साथ रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।